हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने आयांस किचन में स्वागत है आप सभी का। गाइस, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्पाइसी मोमोज के साथ खाने वाली चटनी। इसको आप बहुत सारे स्नैक्स के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार लगती है खाने में। चटनी बनाने के लिए हमने एक पतीले में पानी गर्म किया है। हमने दो टमाटर लिए हैं, इसको हम इसी तरीके से काट लेंगे। बस कट लगाना है और हम पानी में डाल देंगे। मैंने दोनों टमाटर को पानी में डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे मिर्च। हम चार लाल मिर्च डाल रहे हैं यहाँ पे, जिसको कि हमने 2 घंटे पहले भिगा के रख लिया था। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे उबालेंगे। देखिए, हमारा उबलना शुरू हो गया। टमाटर और मिर्च पक भी गया है। इसे उबालने में आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पे। इसे अब हम निकाल लेंगे किसी बर्तन में। इसका छिलका हम उतारते जाएंगे टमाटर का। आराम से हाथ बचा के करना है, हाथ जले नहीं। अगर आपको कोई जल्दी नहीं है तो आप इसे ठंडा होने के बाद भी कर सकते हैं। सारे मिर्च को भी हम ले लेंगे। हमने टमाटर और मिर्च ले लिया। अब थोड़ा सा हम इसे मैश करेंगे। बाकी का मैश हम कढ़ाई में ही करेंगे। ये पानी हमें फेंकना नहीं है, इस पानी को हम बचा के रखेंगे अभी, क्योंकि हमें अभी चटनी बनाने के टाइम चाहिए होगा ये पानी। इसमें से छिलके को हटा देंगे। अब हम एक पतीला या कढ़ाई गर्म करेंगे। हम यहाँ पतीला ही लिए हैं। थोड़ा सा डालेंगे उसमें ऑयल। ऑयल को होने देंगे गर्म। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन। 7 से 8 पीस हमने लहसुन के डाले हैं, और 3 से 4 टुकड़ा छोटा छोटा अदरक का। इसे थोड़ा सा बस फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। आप चाहे तो इसे इस स्पैचुला से चला सकते हैं, मैं तो ऐसे ही इसे चला ली। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। मैंने एक छोटा सा प्याज लिया था, जो कि हमने इतना छोटा छोटा चॉप्ड किया है। इसे थोड़ा सा हम चला लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। हमारा प्याज और बाकी सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गया। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा ही करना था। जितना करना हो गया है, देखिए, बस 1 मिनट ही करना है सारी चीज़ों को। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और लाल मिर्च। थोड़ा सा हम इसमें विनेगर डालेंगे। थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें सोया सॉस। दोनों चीज़ें हमने आधा आधा चम्मच डाला है। आप चाहे तो विनेगर और सोया सॉस को स्किप भी कर सकते हैं, फिर भी बहुत बढ़िया टेस्ट लगेगा। बट अगर आपके पास है अवेलेबल तो आप इसे डाल दीजिए, अच्छा ही लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। थोड़ा सा इसे हम भूनेंगे। हम यहाँ पे डाल रहे थोड़ा सा फूड कलर। सभी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी, जो कि हम मिर्च और टमाटर का उबला हुआ पानी रखे थे ना, वही हम इसमें डाल देंगे। आधा ग्लास टोटल हमने पानी डाला है इसमें। फूड कलर डालने से बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं,
बट डालने से देखने में बहुत ही अच्छा लगता है हमारा चटनी, मार्केट जैसा एकदम। थोड़ा सा हम इसको उबलने देंगे, जिससे क्या हमारा पानी कम हो जाएगा। देखिए हमारा पानी कम हो गया है, अच्छे से टमाटर सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब हम कर देंगे गैस को बंद और इसे उन्हें देंगे ठंडा। देखिए ठंडा हो गया है, अब हम इसे ट्रांसफ़र करते हैं किसी बर्तन में और हम इसे पीस लेंगे मिक्सर में डाल के। देखिए हमने इसे ट्रांसफ़र कर लिया है, अब हम इसे डालेंगे मिक्सर जार में और इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। देखिए हमारी मोमो चटनी पीस के और बन के रेडी है।